Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी यानी कि कल 14 फरवरी को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेगी। सोनिया राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश से अपना नामांकन दाखिल कर सकती है। बता दें कि मौजूदा समय में वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद है। बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से अपने 14 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह के अलावा यूपी के कुल 7 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा से सुभाष बराला को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश से इन 7 उम्मीदवारों का नाम तय। बीजेपी ने यूपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संकेत बलवंत, नवीन जैन के नाम का ऐलान किया है। जबकि पश्चिम बंगाल से शामिक भट्टाचार्य, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, कर्नाटक से नारायणा कृष्णा साभांगे और छत्तीसगढ़ से देवेंद्र प्रताप सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें जया बच्चन को भी एक बार फिर से सांसद भेजने जाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हैं और चर्चा ये है कि भाई सोनिया गांधी जो है वो इस बार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में उनके अच्छे खासे विधायक हैं। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश में भी अच्छे खासे विधायक हैं। तो ये दो जगहों से कहीं से भी सोनिया गांधी जो है वो कहीं ना कहीं राज्यसभा जा सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि जो रायबरेली लोकसभा सीट होगा, इस पर जो है प्रियंका गांधी दावेदारी ठोक सकती है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का लगभग चुनाव लड़ना जो है वो तय माना जा रहा है। और अपनी मां की विरासत यानी कि सोनिया गांधी का रायबरेली क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से इस बार के लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर जो है प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका गांधी वहां से जीत पाएगी, सोनिया गांधी की विरासत को बचा पाएंगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।